नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया, बाय सेल एक्सेल शीट, और उसका थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे व्यू देता हूँ। निफ्टी, बैंक निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी, फ्यूचर्स का बहुत सारा बाय सेल लेवल्स दिखाता हूँ। 100 डे ईएमए स्ट्रेटजी, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूँ। और कल के लिए मतलब 7 मई 2020 के लिए मैंने दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, इसमें आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो बहुत सारा लेवल्स मिलने वाला है इसमें आप लोग को। नेक्स्ट डे में आप लोग ट्रेड कर सकता है, प्रॉफिट कमा कर सकता है। ये आप लोग को रेगुलर बेसिस पे फ्री में देता हूँ। तो ये वीडियो को आप लोग जरूर सब्सक्राइब, ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, उसमें भी बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ। और इसमें भी इस बाय सेल लेवल वीडियो में भी मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी का और भी लेवल्स दिखाऊँगा। तो इसमें भी आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी एनालिसिस में आप लोग को निफ्टी का डायरेक्शन का अंदाजा मिल जाएगा, प्लस कौन सा लेवल, कौन कौन सा सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट आएगा उसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है। ये सब आप लोगों को फ्री में मिल, आप लोग रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। इसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। और आप लोग को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आप लोग, मेरा भी मोटिवेशन मिल जाएगा इसमें आप लोगों को दिखाने के लिए। और मैंने लाइव निफ्टी, बैंक निफ्टी, पेयर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग दिखाता हूँ। तो उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा ये वैसल एक्सेल शीट और जो मैंने मेरा जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, गन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फिबोनाची ट्रेडिंग, वोलेटिलिटी बेस्ड गन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, और भी बहुत सारा लेवल्स जो है चार्ट का सेटअप्स, वो कितना अच्छी तरह से काम करता है आप लोग को पता चल जाएगा। तो आप लोग को अंदाजा मिल जाएगा, उसका हिसाब से आप लोग रेगुलर बेसिस पे ट्रेड भी कर सकता है। और मैंने ट्रेडिंग का मॉड्यूल रखा है, वो सब सिखाने के लिए मेरा जो हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम गन लेवल, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए ताकि आप लोग, उसमें भी मैंने कुछ मैंने सिखाया, मतलब शेयर किया है, उसमें भी आप लोग को दिखाया है। उसमें चार्ट मतलब मार्केट कैसे, उसको हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन विद गन लेवल्स, डायनामिक गन लेवल्स, उसमें कैसे मार्केट डायरेक्शन उसमें फॉलो करता है आप लोगों के सामने क्लियर कैलकुलेशन करके भी दिखाया। उसमें भी आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब ठीक से देखेंगे तो आप लोग भी थोड़ा लेवल्स निकल सकता है, वो भी अच्छा तरीके से काम करेगा। लेकिन जो वोलेटिलिटी और भी आप लोग डिटेल्स में सीखना चाहता है, जो वोलेटिलिटी बेस्ड एक्चुअली जो मैंने ये बाय सेल लेवल का स्किनर जो बाय सेल लेवल एक्सेल शीट बनाया उसमें आप लोगों को जो मैंने बना के रखा हूँ वो आप लोगों को कैलकुलेशन सिखा दूंगा। और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप लोग ट्रेनिंग मॉड्यूल देख सकते हैं, इसमें आप लोगों को बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा। बिगिनर्स और जो एक्सपर्ट जो लोग आए सभी लोगों का बहुत ही ट्रेनिंग में बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा। आप लोग मार्केट का डायरेक्शन आप लोग पता कर सकता है। तो आप लोग इसमें आप लोग ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए। और जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है, पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग कॉल सर्विस ले सकता है। तो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली मार्केट से प्रॉफिट कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और मेरा बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में मैंने ये सब रखा है, ट्रेनिंग, कॉल सर्विस, ये सब मैंने बहुत ही रखा है नॉमिनल कॉस्ट में, जो कि मतलब एटलीस्ट 10 to 20 times 30 times कम है जो एक्चुअली मार्केट में जो चलता है। और जो मेरा जो चैनल है उसमें पावर ऑफ गन एंगल्स, वो भी देख लीजिए। मैंने बाद में आप लोग इसमें मेरा गन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और हाई प्रोबेबल स्ट्रेटजी, वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स, एक्चुअली ये जो स्ट्रेटजी है ये वोलेटिलिटी बेस्ड गन फिबोनाची लेवल्स है, थोड़ा सा अलग स्ट्राइक है। इसका वोलेटिलिटी का मतलब डेली वोलेटिलिटी का कितना मूवमेंट हो सकता है
उसका हिसाब से गन एंगल्स और फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैलकुलेट के उसका परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है। तो इसे बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है, तो आप लोगों को भी सीख जाएंगे तो इसका आप लोगों को भी बहुत ही काम पे आएगा। मेरा जो बहुत पावर ऑफ गन एंगल्स वो भी वीडियो देख लीजिए, और मेरा बहुत सारा चार्ट का सेटअप यूट्यूब वीडियो चैनल मेरा चैनल पे बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, जो आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों को अडेप्ट करके आई एक्यूरेसी के साथ आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। और बहुत सारा स्ट्रैटेजिस्ट है, टेक्निक्स है, लाइक पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंटरडे, हाउ टू सिलेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म, और ऑप्शन चेन स्ट्रैटेजी, ये सब भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए, तो वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा। बहुत ही अच्छी तरह का टेक्निक आप लोगों को उसमें दिखाया गया है, तो वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मेरा यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर देखिए, बहुत जो ये सब जो मैंने बता रहा हूँ इसका जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है मेरा उसका लिंक दिया हुआ है, और भी बहुत सारा लिंक दिया है, ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक दिया है, ये फाइल मैंने जो लोग कॉल सर्विस लेंगे उसमें मैंने पूरा शेयर कर दूंगा। उसके बाद लाइव मार्केट भी टाइम टू टाइम अपडेट करूंगा, मेरा गाइडेंस भी रहेगा, कोई किसी भी सेगमेंट में आप लोग ले सकते हैं। तो और मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो गए आप लोग देख सकते हैं, कुछ दिन देख सकता है फ्री ट्रायल के लिए, वो भी देख सकता है, और आप लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, लाइव डेमो आप लोगों को लाइव मार्केट में आप लोगों को लाइव डेमो दिखा दूंगा, ये कैसे लेवल्स कैसे काम करता है। आप लोग खुद लाइव डेमो रेगुलर बेसिस पे लाइव डेमो का वीडियो बनाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी पेयर ट्रेडिंग का, हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी इंटरडे पेयर ट्रेडिंग, ये सब ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैंने तो गन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वो भी तो जरूर देखिए, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को बहुत ही मतलब एसेस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और भी आप लोगों को डिटेल्स में जानना है तो ये आप ला सकता है, मार्केट कैसे मूव कर सकता है, और जो और भी बहुत सारा लिंक्स है फाइल डाउनलोड करने का लिंक, वो भी आप लोग देख सकता है, सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक, और ये जो वीडियो ये जो बाइसल एक्सेल सीट है उसको कैसे क्या क्या है और कैसे स्किन करना है, बाइंग सेल लेवल्स देता हूँ, बाइसल लेवल एक्सेल सीट के थ्रू मैंने बाइंग सेल लेवल्स जो कैलकुलेट किया हूँ वो आप लोगों को क्या क्या है, कैसे में इससे स्क्रीनिंग का भी है, ये स्क्रीनर भी है, तो बहुत सारे इंडिकेटर भी लगा हुआ है, तो इसमें आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं, वो वीडियोज भी आप लोग जरूर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को भी ये वीडियो का समझने के लिए समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैंने फर्स्ट बाइस से लेवल दिखाता हूँ, यह है बाइस से लेवल वन, ठीक है, ये इसमें बाइस से लेवल वन, इसका बाइक का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ रहेगा, सेल का एंट्री लेवल बीच में रहेगा, टारगेट वन से टारगेट फोर बाएं तरफ, टारगेट फाइव से लेकर टारगेट एट दाएं तरफ है। आप लोगों को इसमें गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है, सोच लीजिए 661 या 664 के बीच में ओपन हुआ है, लेकिन 661.50 या 50 या 662 ऐसा कुछ है, 662.10 662.20 इसमें आप लोग ट्रेड ले सकते हैं, तो आप लोग 664.50 का टारगेट में देख सकता है, लेकिन इसका नज़दीक जाया गया सोच लीजिए 663.5040 हो गया है, तो और लेवल छोड़ के थोड़ा सा पेशेंस रख के इसका 664.50 के ऊपर जाएगा, 50 या 55 या 60 10-20 पॉइंट बाहर रखना पड़ता है, तो उसके बाद ही आप लोग ट्रेड ले सकता है नेक्स्ट टारगेट के लिए। आप लोग ठीक से मतलब एंट्री लेंगे तो इसमें सभी कुछ भी लेवल में आप लोग को कोई भी एक लेवल में आप लोग को जरूर प्रॉफिट देगा, और नहीं देगा तो आप लोग मेरे को जरूर फीडबैक दीजिएगा। और ये और भी एक काम कर सकते हैं आप लोग, बहुत ये जो बहुत सारा लेवल्स दिखाता हूँ, बहुत सारा सेटअप लेवल दिखाता हूँ, वो आप लोग कंपेयर करके जो नज़दीक वाला सोच लीजिए, इसमें 655 दिखा रहा है, और ये वाइसल लेवल टू है, इसमें देखिए वाइसल लेवल टू में 650 दिख रहा है, ठीक है, जो नज़दीक वाला लेवल्स है
ये आप लोग नोट कर, उसमें आप लोग को एक लेवल चूज करके आप लोग सूटेबल जो लेवल चूज करके देख सकता है, जो दूर का लेवल है वो छोड़ दे सकता है। सोच लीजिए बहुत नज़दीक रहता है कुछ लेवल्स में है, सोच लीजिए इधर मतलब और फार्मा क्लोजिंग दिया है 698 पे, तो इधर एक्चुअली ये 656 अधिकार है, इधर नेक्स्ट लेवल पे है, तो कौन सा लेवल पे कौन सा है वो भी आप लोग को इधर से देख जाए। देखिए टारगेट ये बाई ये फर्स्ट लेवल पे है, तो इसीलिए उसका 658 दिख रहा है, उसके ऊपर ही आप लोग को देखना पड़ेगा। तो इसी 658 तो आप लोग को 672 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल है तो उसमें देखना पड़ेगा। 661 का लेवल है, तो इधर इधर देख रहा है 600, इधर वाई का लेवल है 650, तो मतलब इधर 672 के ऊपर देख सकते हैं। 672 थोड़ा सा दूर रहेगा, आप लोग 661 पकड़ सकता है या 664 पकड़ सकता है, ठीक है। तो इसी का हिसाब से आप लोगों को समझ लेना है। और भी लेवल्स दिखाता हूँ उसमें, और आप लोग इधर देख सकता है किस तरीका के इसका कितना सारा इंडिकेटर्स है, किस तरीके से इसको है, इसी का हिसाब से जो इंडिकेटर है इसी का हिसाब से आप लोगों को स्क्रीनिंग करके ये 4 स्टॉक्स निकला है। यह भाई ये देखा, इधर देखिए 676 बाई का एंट्री लेवल है, तो इतना दूर का नहीं जरूरत है, तो उस लेवल को आप लोग को मतलब जो फर्स्ट लेवल दिखा है उसको आप लोग को कंसिडर कर लेना है, ठीक है। और ये पिवट पॉइंट है, ये 675 का लेवल दिख रहा है, और आप लोगों को अंदाजा हो सकता है 672 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो आप लोग को वो जो नीचे वाला लेवल मिलेगा तो इसका हो सकता है, नहीं तो 672-675 का लेवल, ये सब आप लोग को अपने आप से समझ लेना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, आप लोगों को गाइडेंस मिल जाएगा, मेरा गाइडेंस भी रह जाएगा। और बोलिंजर बैंड का अपर बैंड लोअर बैंड का भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने गांड का दिखाऊंगा, गांड का लेवल दिखाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखिए 662 का लेवल इधर मिल रहा है, तो 662-665 का लेवल या 671 का लेवल जब आप लोग को मिल जाएगा तो आप लोग इसमें एंट्री ले सकता है। तो उसको लेवल जो 670-72 का लेवल देखना है वो आप लोग छोड़ दे सकता है, नहीं तो उसका नहीं तो आप लोग ट्रेड वो लेवल आएगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं ले सकते, वो भी कर सकता है। ये है गन स्क्वायर ऑफ टाइम, ये भी एक लेवल है, तो आप लोग समझ गए होंगे शायद मैंने क्या बोलना चाहता हूँ। इधर देखें 669 के ऊपर ले सकता है, 663 के ऊपर ले सकता है, ठीक है। इस तरह फर्स्ट टारगेट होगा 676, ये मुरेस मैथमेटिकल्स लेवल्स है, कौन सा लेवल पे है वो आप लोग को देख लेना पड़ेगा। इसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहता है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोएस्ट सपोर्ट बीच में रहता है, और हाईएस्ट रेजिस्टेंस +1, +2, +3 ऊपर जाएगा, और S1, S2, S3 एसर करके नीचे आएगा, कौन सा लेवल पे देवा से देखना है। उसके बाद आप लोग को टेस्ट सोच लीजिए, 608 का नीचे आ गया है, तो 608 का नीचे 612 देख सकता है, उसके बाद 608 से फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो 625 का लेवल देख सकता है। सोच लीजिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया है, तो ऐसे करके आप लोग मतलब ट्रेड कर सकता है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो मेरे को पूछ सकता है, मेरा पूरा गाइडेंस ये 45 डिग्री एंगल, ये 360 डिग्री जो एंगल है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इधर भी देखिए 665-668 इसका फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल रहेगा, ठीक है। इसका जब पीछे रिट्रेस करेगा तो वो भी आप लोग देख सकता है। इस तरह सेल का लेवल भी ऐसा है, इधर फर्स्ट साइकिल में अपसाइड डाउन साइड था, सॉरी फर्स्ट साइकिल इसके, ये है सेकेंड साइकिल में अपसाइड डाउन साइड, ठीक है, और थर्ड साइकिल में भी अपसाइड डाउन साइड, ये भी आप अपडेट कर सकता है। और इसके बाद ये लेवल भी अच्छा है, ये भी लेवल भी ट्रेड कर सकता है, और यह गन स्क्वायर अप 12 ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, ये भी आप लोग इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखाता हूँ, मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दूंगा, नहीं तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मेरा थोड़ा सा तकलीफ़ होता है लोड करने से, और नेट का भी प्रॉब्लम होता है। अभी बैंक निफ्टी का सभी लेवल दिखाऊंगा, आप लोग एक एक करके नोट करते रख सकता है, आप लोग वीडियो पॉज करके धीरे धीरे भी नोट कर सकता है।
सभी लेवल्स आप लोग मतलब एनालिस कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग डिसीजन ले सकता है। हाँ, इस लेवल पे आप लोग को ट्रेड करना है, और लाइव मार्केट में जो मार्केट ओपन होगा उस कौन सा लेवल पे आप लोग देख लेना है, उसके बाद आप लोग सोच समझ के आप लोग कर सकते हैं। आप लोग कुछ लेवल्स का स्क्रीनशॉट उठा के रख सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ में नहीं आएगा तो मेरे को भी कॉन्टैक्ट कर सकता है लाइव मार्केट में। और इस बार जो लोग कॉल लेंगे तो उनके लिए तो सभी समय मैंने रह गए। ये कम्युनिटी का लेवल्स है, कोई भी सेगमेंट में बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकता है। आप लोग फीडबैक दीजिए मेरे को, यूट्यूब वीडियो में कमेंट लिखिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या चाहिए आप लोग को, कैसे सुविधा होता है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, या कैसा लग रहा है आप लोग को। फीडबैक मिलने से मेरे को भी सुविधा हो जाएगा कि आप लोग को क्या ज़रूरत होता है। ये कमोडिटी का लेवल्स है, ठीक है। इसके बाद मैंने कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ आप लोग को। इतना इतना रिसोर्सफुल है ये मेरा वीडियोस, मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियोस या बाइसेल लेवल्स वीडियोस, इतना सारा चीज़ मिल जाएगा कि आप लोग को एक दिन का ट्रेड आराम से हो जाता है, और ये भी आप लोग को मुफ्त में मिलता है। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और थोड़ा सा लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा भी मोटिवेशन मिल जाएगा आप लोगों को ये रेगुलर वीडियो बनाकर। रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाने से आप लोग जानते हैं कि एक इनकम बहुत दिन से कुछ मोनोटोनस आ जाता है, तो आप लोग का लाइक करेंगे तो आप लोग को लिए मैंने बनाने का मोटिवेशन आ जाएगा। और इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रैटेजी है कि आज का डेली कैंडल को, जिस स्टॉक्स का आज का डेली कैंडल को 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज काट किया है, और कल का जब इसका हाई या लो ब्रेक करेगा वो बहुत ही अच्छी तरह से मूवमेंट देगा। तो ये ब्रिटानिया में दिखाता है, CSE में दिखाता है, और इधर CSE में दिखाता है, कोलपेल में दिखाता है, एस्कॉर्ट्स में दिखाता है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग और भी है, मैंने इतना देखा नहीं पाऊँगा। और इधर आर्बिट्रेज का बेसिस पॉइंट भी आप लोग को परसेंटेज, आप लोग को जो लोग आर्बिट्रेज पसंद करता है इधर से आप लोग को निकल जाता है। आर्बिट्रेज बहुत सारा लोग पसंद करता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में ही वो आता है, लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आता है। इधर देखिए कुछ आइडिया में कुछ परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है, और एक्चुअली 1.5 या 1.5 के ऊपर जो है उसमें ट्रेड करना है। लेकिन पेयर ट्रेडिंग दोस्तों बहुत ही, आप लोग को भी आप लोग जो है लाइव डेमो दिखा देख सकते हैं, मैंने पेयर ट्रेडिंग में आप लोग को दिखा दिया है कि दिखाता हूँ कि कितना आसानी से बहुत सेफली आप लोग सेफली एंड जो लोग सेफ ट्रेडिंग चाहता है बहुत आसानी से पेयर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमा सकता है। इसमें से पहले तो आप लोग को इधर से कौन सा कोरिलेशन है, मैंने पूरा सेक्टर एक्सप्लोर करके कौन सा स्टॉक्स में क्या क्या कोरिलेशन है मैंने इधर निकल के रखा है। उसके बाद मैंने जो हाई परसेंटेज है 90% के ऊपर वो भी हाईलाइट करके रखा है। 85-88% होगा तो तब भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें और ये मैंने रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता हूँ, इसका करंट क्लोजिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। ये 30 डेज का हिसाब से डाटा लेके मतलब कंपेयर करके ये कोरिलेशन दिखा हुआ है, और इधर 1 डे का हिसाब से इसका किसको बाय करना है किसको सेल करना है, तो वो भी 1 डे का हिसाब से, 7 डेज का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से बनाया गया है। इसमें भी आप लोग ट्रेड कर सकता है, बहुत ही आप लोग को हेल्पफुल रहेगा। और आप लोग को जो लोग सेफ ट्रेडिंग करना चाहता है वो आप लोग मतलब हेजिंग करके सेफ ट्रेडिंग करना चाहता है, तो आप लोग पेयर ट्रेडिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, और ऑप्शन हेजिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आप लोग देख सकता है, मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकता है, मैंने आप लोग को गाइड कर दूंगा।
इधर देखिए इंसर्ट दबार NR4 NR7 दिखाऊंगा। NR4 में देखिए अशोक लेलैंड में NR4 बना है और इसमें ऑरो फार्मा में 2D का हिसाब से इंसर्ट दबार बना है। तो आप लोग होपफुली आप लोग जानता है, जो लोग नहीं जानता है कि कैसे इस पर ट्रीट करना है वो मेरे को पूछ सकता है। 1D का जब जो 1D का 2D का हिसाब से बनता है, तो 1D जो 2D का अगला 2 दिन का पहले का जो कैंडल है उसका हाई लो ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेना है। जो NR4 NR7 है वो करेंट कैंडल को ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेना है। और जो 1D का हिसाब से इंसर्ट दबा रहा है, 1D का जो अगला दिन का जो हाई लो है उसका हिसाब से ट्रेड लेना है। ठीक है, ये सब तो इंसर्ट दबार NR4 हो गया। उसके बाद और भी कैंडल स्टिक आप लोग को बना दिखाता हूँ। तो इसमें इतना सारा चीज़ आप लोग देखिए, कितना स्टॉक्स आप लोग को, कितना चीज़ आप लोग को मिल जाता है कि ट्रेड करने के लिए। SEC में हायर हाई हायर लोस बना है, इसका जब हाई ब्रेक करेगा तो लगातार 3 दिन से हायर हाई लोअर लोस ब्रेक करता है। इधर लोअर हाई लोअर लोस ब्रेक करता है। ठीक है, ये लो ब्रेक करेगा तो बहुत ही अच्छा मिलेगा। इधर पॉजिटिव हैमर बना है, इधर हैंगिंग मैन बना है। हमारा जब एटर्मी में अपटेंड में जब हैंगिंग मैन बनता है तो नीचे जाने का प्रॉबर्टी होता है। इधर पॉजिटिव हैमर में ऊपर जाने का प्रॉबर्टी बनता है। ठीक है, इसके बाद क्या दिखाता है, मास्टर लॉन्ग मास्टर शॉर्ट में जिसमें जिसका मास्टर लॉन्ग बनता है उसका ये फिबोनाची का लेवल का हिसाब से बना हुआ है। ये जब बनता है तो उसका हाई जब ब्रेक करेगा तो आप लोग आसानी से मतलब इसका अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। और जो शॉर्ट साइड है वो जब इसका जब लो ब्रेक करता है आसानी से प्रॉफिट आ जाता है। ये बुलिश एनगल्फिंग है, बारूद फॉर्ज। ठीक है, उसका ऊपर जाने का प्रॉबर्टी है। इधर सेकआउट जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं, वो हाई लो ब्रेक करेगा, किसी भी साइड में ब्रेक करेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। ये लॉन्ग टेल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, लॉन्ग टेल कौन से साइड में बनता है वो इम्पोर्टेंट है। अप साइड में बनेगा तो नीचे जाने का प्रॉबर्टी है, और डाउन साइड में लॉन्ग टेल बनेगा तो ऊपर जाने का प्रॉबर्टी ज़्यादा बनता है। थोड़ा सा इनवर्ट टाइप का बन जाता है। और लॉन्ग बॉडी कैंडल SEC में बना है। ठीक है, SEC में ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो भी देख रहा हूँ। अच्छा, ये अदानी पोर्ट में SEC अंबुजा लेके आप लोग मतलब पेयर ट्रेडिंग भी कर सकता है। इसमें क्या दिखा रहा है, SEC अंबुजा को SEC को सेल कर सकता है और अंबुजा को बाई कर सकता है। आप लोगों को प्रॉफिट ऑलमोस्ट 66 प्रॉफिट दिलाएगा। एनीवे, तो इसमें इसके बाद देखते हैं और भी BRS रिवर्सल बुलिश रिवर्सल कुछ बनता है बना है। ठीक है, BRS रिवर्सल बुलिश रिवर्सल आप लोग इधर से चेक करते हैं। जब स्टॉक्स के पास लेकर जाता है आप लोग देख लीजिए स्टॉक्स। उसके बाद ये ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट, और भी मैंने स्क्रॉल करके देखेगा तो और भी कुछ निकलेगा, इतना मैंने नहीं दिखा सकता हूँ। तो आप लोग मेरा कॉल सर्विस ले लेंगे तो आप लोग को पूरा फाइल मिल जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। ये पैटर्न्स, ये जो पैटर्न 1, 2, 3 ये सब भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसके बाद मैंने दिखाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए मतलब मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्टॉक्स का नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स में वो स्क्रीनिंग करना पड़ेगा, एक साथ सभी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ कि वहाँ लॉन्ग टर्म में फिबोनाची का लेवल्स। ठीक है, 7 दिन का हिसाब से, 5 दिन का हिसाब से, 3 दिन का हिसाब से, 2 दिन का हिसाब से, 1 दिन का हिसाब से, 15 डेज का हिसाब से, 30 डेज का हिसाब से जब लेवल दिखाता हूँ। इसका मतलब इसका मकसद यह है कि ये जब इसका लेवल जब आएगा तो अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और आप लोग भी जानते हैं वीकली बाई वीकली या मंथली कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब ब्रेक करता है, इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मूवमेंट बहुत अच्छा मिलता है। और यह CPR पिवट पॉइंट का लेवल, CPR पिवट पॉइंट भी मैंने मल्टीपल टाइम फ्रेम में बना है, वो भी आप लोग वो भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो सेक्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है। मैंने इस सेक्शन में पहले वोलेटिलिटी को कैलकुलेट कर लिया है, ये है वोलेटिलिटी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बनता है वो आप लोगों को सिखा दूंगा।
आप लोग मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेंगे तो, और ये सबसे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी के साथ, सबसे एक्यूरेसी के साथ काम करता है, पीवनसी भी काम करता है और गन लेवल भी काम करता है। और मैंने ये है गन डिग्रीज का, सॉरी गन गन एंगल्स का लेवल्स, ठीक है। और ये गन डिग्रीज का लेवल्स आएगा, यहाँ ये है 12.5 से जो दिख रहा है, ये गन डिग्रीज का लेवल्स है, ये वोलेटिलिटी बेस्ड लेवल्स है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ काम करता है, मैंने यही दिखाता हूँ आप लोग को न्यूट। और ये स्टैंडर्ड डिविजन बेस्ड पीवनसी का लेवल्स है, और ये है इलिया टेप का लेवल्स, ठीक है। सभी ने वोलेटिलिटी बेस्ड करके रखा हूँ, क्योंकि वोलेटिलिटी बेस्ड बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। और ये है वोलेटिलिटी बेस्ड मोस्ट प्रोबेबल लेवल्स, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग को मैं भी बहुत सारा वीडियोस और भी मैंने देखिए, NSM रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैंने रिसर्च एनालिस्ट ही मेरा फुल टाइम जॉब है, ठीक है। तो आप लोग को पास बहुत सारा चीज़ मैंने लेके आऊँगा वीडियोस एडुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज़, जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर कीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।